उग्रवादी संगठन उल्फा ने असम बीजेपी के नेता रत्नेश्वर मोरन के बेटे का अपहरण कर लिया है। रत्नेश्वर मोरन तिनसुकिया जिला परिषद के उपाध्यक्ष हैं और उल्फा उग्रवादियों ने उनके बेटे कुलदीप मोरन को अगवा कर ये वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में उल्फा उग्रवादियों को हथियारों से लैस और नकाबपोश दिखाया गया है। इस वीडियो में पीड़ित कुलदीप मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, अपने चाचा और सादिया से भाजपा विधायक बोलिन चेतिया और अपने माता पिता से अपनी रिहाई की गुहार लगा रहा है। उल्फा ने 1 अगस्त को कुलदीप का अपहरण कर लिया था। वीडियो में नजर आ रहा है कि कुलदीप मोरन को 5 नकाबपोश हथियारबंद लोगों ने घेर कर रखा है। हरी टी शर्ट पहने कुलदीप घुटने के बल बैठे दिखाई दे रहा है। उल्फा ने रिहाई के बदले 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। असम के मुख्यमंत्री सोनोवाल ने अपहरणकर्ताओं से मानवीय आधार पर उसे छोड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा, मैं अपहरणकर्ताओं से अपील करता हूँ कि मानवीय भाव दिखाते हुए लड़के को छोड़ दें। हमारी सरकार का मानना है कि हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा और हम शांति प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं।